जय सियाराम दोस्तों, आप सभी को स्वागत करता हूँ हमारे आज के इस वीडियो में। और अगर आपने इसके लास्ट पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो एंड स्क्रीन में आपको मिल जाएगी वो पार्ट। और इस रेफरेंस पार्ट का जो आउटलाइन मतलब फोटो रेफरेंस फोटो दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ पर जाके आप जरूर इन सबको ड्रॉ करना। और ड्राइंग कंप्लीट होने के बाद मुझे इंस्टाग्राम में ज़रूर भेजना अपना आर्टवर्क, और मैं उसका रिव्यू करूँगा अपने आने वाले किसी वीडियो में। तो ज़रूर भेजना, मिस्टेक भी देखूँगा कहाँ का आपका मिस्टेक है, मतलब कुल मिलाकर गाइड करने की कोशिश करूँगा जितना मुझे समझ में आए। तो इस तरह से जिस तरह से मैं लेयर बाय लेयर स्टेप बाय स्टेप करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस हिसाब से आपको भी करना है। तो कहाँ पे कौन सा कलर अप्लाई कर रहा हूँ, किस जगह पे ब्लू कलर अप्लाई करना है तो वहाँ पे ब्लू कलर, इस तरह से देखते जाओ कहाँ पे कौन सा कलर। और आपका कोई भी सवाल है ड्राइंग से रिलेटेड हो, कोई भी ड्राइंग मटेरियल से रिलेटेड हो, जो भी सवाल है तो ज़रूर कमेंट में बताना, मैं वीडियो में बता दूंगा इसका रिप्लाई देकर। रिप्लाई ना दे सको तो कमेंट में, तो उसका वीडियो में बता दूंगा। इसलिए आपको अगर आप सवाल करते हो उसके जवाब जानने के लिए वीडियो को भी लास्ट तक देखा करो, नहीं तो आपका सवाल सिर्फ सवाल ही रह जाएगा। तो हम इस पार्ट में जो है हेयर्स और हेयर्स के ऊपर जो ज्वेलरीज हैं उन जितना पार्ट आपने थंबनेल में देखा है उतने पार्ट ड्रॉ करूँगा। नेक्स्ट वीडियो में जो बॉडी टेक्सचर को ड्रॉ करके कंप्लीट करके आप लोगों को इसका भी ट्यूटोरियल दिखाऊंगा। और जो आर्ट कॉम्पिटिशन था उनके चैनल में, तो कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो बता सकते हो। और आर्ट कॉम्पिटिशन में ज़रूर पार्टिसिपेट करना, और ये सोच के मत पार्टिसिपेट करना कि मैं नहीं जीत पाऊँगा। कई लोग ऐसे सोचते हैं जो बिगनर्स हैं, ऐसा अगर आप सोचोगे तो आप जीत नहीं पाओगे, गारंटी से कह रहा हूँ। अगर आप सोच लिया आपने मैं क्यों नहीं जीतूँगा, तो आपका चांस ज़्यादा होता है कि आप जीतने का चांस आप ज़्यादा उससे जीतने का चांस भी ज़्यादा होता है। इसे हम ऐसे सोचेंगे तो हम मेहनत भी ज़्यादा करेंगे अपने आर्टवर्क में। अगर हम पहले ही ये सोच लें कि हम नहीं जीत पाएंगे तो हम मेहनत उस हिसाब से नहीं करेंगे, निराशा एक बनी रहेगी, तो इसलिए हमारा आर्टवर्क भी ऐसा नहीं बन पाएगा। अगर ना भी जीते तो पहले से तो आर्टवर्क हमारा अच्छा होगा, जो बाकी आर्टवर्क से जो लोग हैं उनसे तो बेहतर होगा, किसी एक से भी बेहतर हुआ तो आपका बहुत प्रॉफिट है ड्राइंग स्किल में ही सही। तो इसलिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए, भले ही देखो जीतना तो आसान नहीं है पर असंभव भी नहीं है। जिसका ज़्यादा हिम्मत जीता ज़्यादा भरोसा होगा खुद पे स्किल पे, ज़्यादातर वो ही जीतते हैं। और इसलिए मैं कोशिश करता हूँ इन्हीं पे काम करने की, सही करते जाता हूँ, और पार्टिसिपेट करना कभी ही नहीं छोड़ता हूँ। जब भी मुझे मौका मिले, जब भी मुझे आर्ट कॉम्पिटिशन कभी पता चले तो ज़रूर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करता हूँ। इससे मुझे अपनी स्किल में इम्प्रूवमेंट देखने को मिलती है, क्योंकि मैं ऐसे ड्राइंग करता हूँ तो थोड़ा सा जो है इतना वो जोश के साथ नहीं कर पाता। जब आर्ट कॉम्पिटिशन इस तरह से कोई कुछ आता है रेफरेंस पर दिया जाता है, उसमें थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देकर ड्राइंग करता हूँ आर्टवर्क, उसमें आर्टवर्क भी अच्छा होता है। तो इसलिए आपको भी ये जो मुझे पता था मैंने टिप्स शेयर किया, कई सारे लोगों को पता भी है। और साथ साथ मैं वीडियो के साथ साथ कुछ ज़रूरी बातें भी बताता रहता हूँ जो आप लोगों को जानना चाहिए, जिन लोगों को नहीं पता है, जो हमारे यूथ हैं लगभग। तो जैसे हम ड्रॉ करने भगवान कृष्ण कोई भी चित्र हम ड्रॉ करते हैं उसका चरित्र भी जानना ज़रूरी है। जैसे भगवान कृष्ण ने इनके बारे में बताया था कि पिछले वीडियो में लास्ट पार्ट में, तो कई सारे लोगों का ये भी डाउट होता है जी कि जैसे भगवान है कृष्ण, भगवान ने सब भगवान तो है, पर भगवान है इसका क्या प्रूफ है, ये सब सवाल होता है कई लोगों अंदर। या फिर कोई सवाल कर दें तो इसका हमें जवाब भी देना आना चाहिए, सिर्फ हमें ड्राइंग नहीं। देखो आप जो जिस मोबाइल से वीडियो देख रहे हो, इस जो मोबाइल है इसको बनाने वाला भी कोई है। आप तो अभी तो नंगे तो नहीं हो, कुछ तो पहने हो कपड़े, तो उसको बनाने वाला भी तो कोई है। आपने कुछ समय पहले खाना खाया या फिर अभी खा रहे हो, तो उस खाना बनाने वो खाना तो ऐसे नहीं हुआ, इसको भी बनाने वाला कोई तो है।
और आपका घर है तो इसको भी बनाने वाला कोई है, आपके पास रूम है, जो भी कुछ है आपके पास आसपास जो भी देख रहे हो उन सभी चीज़ों को जो बनाने वाला तो कोई होगा ज़रूर है। और हर एक चीज़ को बनाने वाले को हर एक अलग अलग नाम है, ठीक उसी तरह आप हो, हम हैं, तो हमें भी तो कोई तो बनाने वाला होगा। और कैसे कोई कह सकता है नेचर से ही हम बने हैं, नेचर ने हमें बनाया तो नेचर ही सही, तो नेचर तो है और उसी को हम भगवान भी कहते हैं। और लो नेचर नेचर है तो नेचर के भी नेचर को भी तो कोई बनाने वाला होगा, तो उसी को हम कहते हैं भगवान। और वही भगवान हमारे धरती में हम जैसे लोगों को दर्शन देने या फिर हम जैसे लोगों को उद्धार करने के लिए आते हैं, जैसे कृष्ण राम इस तरह से अवतार लेकर। बहुत डीप है, बस इतना ही बेसिक्स जानना जरूरी है। हम जैसे लोगों को ये सब जवाब आप दे सकते हैं जिन लोगों को नहीं पता है। और अगर भगवान नहीं होता तो आप जब पैदा हुए बचपन में आपके माँ बाप ने जन्म दिया, तो पैदा होते ही आपके अंदर हाथ पैर आपके माँ बाप तो लगाने तो नहीं गए थे, कौन लगाने गया था? आपके शरीर में खून आया पैदा होते ही, वो कौन दिया? आपका माँ बाप ने तो नहीं दिया। जब आप पैदा हुए उसके बाद आपके माँ आँचल में दूध आया, वो अपने आपके माँ बाप ने तो खुद नहीं भरा था। और आप जब अभी आप सांस ले रहे हो, सांस छोड़ भी रहे हो, जब आप सो जाते हो तब तो आप भूल जाते हो, या फिर अभी भी हम आप भूल रहे हो या आप अभी भी सांस ले रहे हो तो आप भूल जाते हो, तो फिर आपको सांस अटक के आप मर जाना चाहिए था, फिर भी आप सांस ले रहे हो, आप सो जाते हो तो भी हमें ये जो सांस दे रहे हैं नॉन स्टॉप, तो ये फिर कहाँ से आ रहा है? कौन देने वाला है? कोई तो मालिक होगा। आपके पास मोबाइल है, इसको बनाने वाला ये कहीं से तो आया है कंपनी से, तो कंपनी का नाम भी होगा। तो किसी तरह ये जो हमें सांस सब कुछ मिल रहा है वो जिस आ रहा है वो ही है भगवान। तो इस पर मैं तय मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।